नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आप रिसर्च पेपर पब्लिश कराना चाहते हैं? क्या पीएचडी कर रहे हैं? आपको दो रिसर्च पेपर जो पीएचडी में कंपलसरी होते हैं वो आपको पब्लिश कराने हैं? क्या आप रिसर्च स्कॉलर हैं? आप रिसर्च पेपर पब्लिश कराना चाहते हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ रुक जाइए, थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद अपना आप रिसर्च पेपर पब्लिश करा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। अभी कुछ समय पहले यूजीसी ने यूजीसी अप्रूव्ड जो जर्नल्स होते हैं उनको वेरीफाई किया है और उसके बाद कुछ नई लिस्ट डाली है, उसके संबंध में मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, पहले यूजीसी अप्रूव करता था जनरल और अपनी साइट पे डाल देता था कि, और उसमें लिस्ट होती थी यूजीसी अप्रूव्ड जनरल। ये देखो, आप देख रहे हैं यूजीसी की मेन वेबसाइट, इस पे यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जनरल्स, जब हम ये देखते हैं तो यहाँ लिखा आ रहा है यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जनरल्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूजीसी केयर लिस्ट। यानी पहले यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट हुआ करती थी यूजीसी की साइट्स पे, उनको हटा के अब यूजीसी केयर लिस्ट बनाई है यूजीसी ने। एक कमेटी बनाई गई थी, उसने कुछ जर्नल्स को अप्रूव किया है, अप्रूवल दिया है, उसके बाद केयर लिस्ट नाम से चार लिस्ट बनाई गई हैं ए बी सी और डी ग्रुप करके, और उनमें जर्नल्स को उनके रैंकिंग के अकॉर्डिंग डाला गया है। तो इसमें जो मेन चीज़ है जानने वाली वो ये है कि अभी क्या हो रहा है, अगर आप जर्नल कोई किसी जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश कराना चाहते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी एक बार चेक कर लें। अभी देखने में क्या आ रहा है कि जो जर्नल्स यूजीसी ने अप्रूव नहीं किए हैं, पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो अब जर्नल अप्रूव किए हैं उसमें इंडियन जर्नल्स काफ़ी कम हैं। अगर हिंदी या जो इंडियन लैंग्वेज है उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी इंडियन जर्नल्स काफ़ी कम हैं। अगर इंग्लिश की स्पेशली बात करूँ तो 10 या 12 जर्नल्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, जिसमें 3 या 4 जर्नल ऐसे हैं जिन्होंने अभी पब्लिकेशन बंद कर रखा है। तो कितने 7 या 8 जर्नल्स बाकी रहे, और वो भी इंटरनेशनल लेवल के हैं जहाँ आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, उसके बाद आप वहाँ ऐसे आर्टिकल लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो पहले यूजीसी के अप्रूव्ड लिस्ट में हुआ करते थे जर्नल्स, उसमें से शायद ही 1 या 2 जर्नल्स इस लिस्ट में हैं जो यूजीसी की केयर लिस्ट में हैं। तो अभी देखने में क्या आ रहा है कि वो जर्नल्स वाले जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके नंबर लेके, उनकी मेल लेके और उन पे कॉल कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है, और वो उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि आप हमारे जर्नल में पेपर पब्लिश करा लीजिए। तो आप ऐसा ना करें कि आप किसी रिसर्च पेपर में, रिसर्च जर्नल में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करा लें और वो यूजीसी की केयर लिस्ट में ना हो। तो अभी आपको करना क्या है कि आप अभी थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अभी शुरुआत है, कुछ दिन पहले ही ये केयर लिस्ट डाली गई है यूजीसी के द्वारा। और इस केयर लिस्ट में 4 ग्रुप हैं, चारों ग्रुप में जो इंटरनेशनल लेवल के जर्नल्स हैं वही ज़्यादा हैं, इंडियन जर्नल्स काफ़ी कम हैं। और जो इंडियन जर्नल्स सैकड़ों की संख्या में यहाँ काम कर रहे थे उनको यूजीसी ने अनरिकॉग्नाइज्ड कर दिया है। तो अभी वो लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन में हम भी आ जाएं। तो अभी आप जल्दबाजी ना करें, कुछ समय वेट करें। अगर हाँ, अगर आपको अभी पब्लिश कराना है अपना जर्नल तो आप यूजीसी की केयर लिस्ट को जाएं, डाउनलोड करें। आप यहां जाके देखो, यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट जर्नल हैज बीन रिप्लेस्ड केयर लिस्ट, इस पे जाके आपको अपनी लॉगिन करना पड़ेगा मेल डाल के, उसके बाद आप वो लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो डाउनलोड करें और उसके बाद ही पब्लिश करें, किसी भी फर्जी जर्नल्स के बहकावे में ना आएँ और अपना जर्नल्स उसमें पब्लिश ना कराएँ।